देखो भाई ये देखो, ये टेबल आई थी स्टैंडिंग खाने के लिए। जब यहाँ हम जूते नहीं लेके चढ़ सकते तो खाना खड़े होकर कैसे खा लें, उसमें जो है लोग बाग जूते बहरहाल दरे आले बहते हैं, कोई बैंक का ढाल नहीं है। ऐसी क्या वजह है जमीन पे बैठे हो खाना खा रहे हैं? यानी जिसने शादी की है, वलीमा दिया है, क्या उसके पास इतने पैसे नहीं था? ये ऊपर देखिए खाना खिला रहे हैं, बैठा के खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पे ये मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं। देखो भाई ये तो है मस्जिद, उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गांव बघरा, बघरा में ये इमाम बारगा है और ये है मस्जिद, ये इमाम बारगा है, और यहाँ ये जो है मोहल्ले का रास्ता जा रहा है, और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। जैसे आज कल शादी दिखाई थी मैंने आप लोगों के, शिया शादी कैसे करते हैं और खाना कैसे खिलाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये इमाम बारगाह में यानी इमाम बाड़े में खाना खिलाते हैं, क्या तरीका है खाना खिलाने का, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे खाना खिलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सब जगह यानी शुरुआत होने से पहले ही यहाँ पे जूते उतारे हुए हैं सारे के सारे, ये देखिए यहाँ जूते उतारे हुए हैं। देखो भाई ये देखो, ये टेबल आई थी स्टैंडिंग खाने के लिए, यानी जो खड़े होके खाते हैं ना चारों तरफ वो लगा देते हैं, स्टैंडिंग खाने के लिए आती हैं, लेकिन ये वापस करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने कहा है, बुज़ुर्गों ने कहा है कि भाई स्टैंडिंग खाना ठीक नहीं है, इसलिए ये वापस करने जा रहे हैं। अब बैठ के खाना खिलाएंगे, यानी सुन्नत रसूल अदा करेंगे, जैसे शादी में कल इन्होंने सुन्नत रसूल की है, ऐसे ही ये अब बैठ के खाना खिलाएंगे। वहाँ ये इंतज़ाम है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँगा, आप लोग जो है ना इस चीज़ पर अगर एक एक करके अमल करेगा तो हम वही असली इस्लाम ले आएंगे जो पहले इस्लाम था, सुन्नत रसूल पे चलते थे, अभी भी चलते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं चल रहे। हम तरक्की समझ रहे हैं अपने आप को, अपने आप की तरक्की समझ रहे हैं, सिर्फ पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छी बारात, अच्छी शादी और अच्छा घर, लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये देखिए ये इमाम बारगाह है, यहाँ पे स्टैंडिंग यानी स्टैंडिंग खाना, एक घर ऐसा होता है जैसे बारात घर में खाना खिला रहे हो, लेकिन ये इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह इमाम बाड़ा को कहते हैं। यहाँ पे जिक्र हुसैन और फर्श अज़ा बिस्ती है, इसीलिए बेहतर है कि यहाँ पर एक तमीज़ तहजीब के दायरे में खाना खिलाया जाए, और मैं आपको दिखाता रहूँगा, आप लोग ऐसे बने रहिए, जब लोग यहाँ खाना खाने आएंगे उनका तरीका दिखाऊँगा। ये देखो आप लोग बने रहिए, ऐसे ही मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऊपर देखिए खाना खिला रहे हैं, बैठा के खाना खिला रहे हैं, और यहाँ पे ये मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं चारों तरफ, ये देखिए ये इमाम बारगाह है, और वहाँ देग रखी हुई है जहाँ निकालते हैं ना खाना, और सब ने ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है चप्पल नीचे उतारे यहीं पे, और यहाँ पे ये देखिए दायरे से लगे हुए हैं सारे के सारे, यानी सीढ़ियों पर रखे हुए हैं, ऊपर एक भी चप्पल नहीं है, एक भी जूता कोई नहीं लेके गया हुआ, ये देखिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इनसे कहा था कि भाई यहाँ के लोगों ने बोला था कि भाई स्टैंडिंग में खाना मत खिलाइए, क्योंकि ये इमाम बारगाह है, ये इमाम का घर है, यानी जिक्र अहले बैत होता है, फर्श अज़ा होती है, इसीलिए जो मालिक है सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं उसका करता हूँ जिसके यहाँ आज शादी है, यानी जिसके बेटे की शादी है, और यानी आज वलीमा है, उसने यहाँ पे ये पंचों की बात मानी, यहाँ के लोगों की बात मानी, क्योंकि अच्छा मैसेज हर किसी को मानना मंजूर नहीं होता, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए खड़े होके खाना कहीं से कहीं तक भी नहीं आया कि भाई खड़े होके खाना खाइए, अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहा है कि खड़े होके ऐसे खाते हैं जैसे चारपाई यानी चार पैर वाले जैसे खाते हैं, कुरान में इसका जिक्र आया है, आप लोग देखिए, और कितना अच्छा लग रहा है कि ये बैठ के खा रहे हैं, और एक तो खाना वेस्ट कम होता है, और दूसरी क्या बात है, तमीज तहजीब का दायरा है, और दूसरी क्या बात है कि प्यार बढ़ता है, ऐसे लगता है जैसे घर के दस्तरखान पे ही बैठे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए ऐसे ही। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के जो शादी में जो जिसके यहाँ वलीमा आ रहा है उसका। देखो भाई जैसे मैंने कहा था कि स्टैंडिंग में खाने के फ़ायदे, अब देखिए यहाँ सफाई हो रही है,
सफाई हो रही है ना, मैंने आपको थोड़ा सा दिखा भी दिया कि यहाँ पे पहले कितने लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे, स्टैंडिंग में खाना देने के लिए बोल रहे थे, इनके बच्चों बच्चे देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जब बुजुर्ग ने समझाया, यानी दूल्हे के वालिद ने यानी बाप ने समझाया कि बेटे ठीक है लेकिन फॉर्म की और जो अपने पंच हैं उनकी भी बात माननी चाहिए, कुछ लोगों ने एतराज़ किया था, इन्होंने बात मान ली और स्टैंडिंग खाना कैंसिल करके सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ गए। अब बात करेंगे यहाँ पे ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, ठीक है। इनका ये बघरा जिला मुजफ्फरनगर गाँव के कस्बा बघरा में, हम इनका दो बार इंटरव्यू ले चुके अपने चैनल पे, आप देखिए मौजूदात के बारे में बताया और दरगाह कमेटी के बारे में बताया, आज मैंने देखा कि ये बैठे हुए खाना खा रहे हैं ज़मीन पे, ऐसी क्या वजह है ज़मीन पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं? यानी जिसने शादी की है, वलीमा दिया है, क्या उसके पास इतने पैसे नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है, पैसा सबके पास होता है, जहाँ वो 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च करता है वहाँ स्टैंडिंग में अच्छा खाना भी दे सकता है, लेकिन बात यह है कि खड़े होके खाना कहाँ तक जायज़ है जी? जैसे खड़े होके खाना कहाँ तक जायज़ है? कहीं इस्लाम में आया है? इस्लाम में तो कहीं भी नहीं है, लेकिन ये बारगाह अहले बैत है जी, ये कोई मामूली मकाम नहीं है, यहाँ जो है आदमी को दस्तरखान पे ही बैठ के खाना खाना चाहिए, और यह हम आयशे पे पाबंदी लगाएंगे इंशाल्लाह कि कोई भी खड़ा होके यहाँ वो नहीं बैठेगा। अच्छा, करोड़पति का हो या किसी गरीब का हो, ये इमाम बारगाह है, यानी इमाम बैठ है, इसके एहतराम के लिए, एहतराम के लिए जब यहाँ हम जूते नहीं लेके चढ़ सकते तो खाना खड़े होकर कैसे खा लें? उसमें जो है लोग बाग जूते बहरहाल दरे आले बहते हैं, कोई बैंक का ढाल नहीं है, कोई भी कोई सा भी गांव हो, बात यहाँ इस गांव की नहीं है, लेकिन कोई भी गांव हो बात इमाम बारगाह की एहतराम की है, और चप्पल लेकर अगर जाए बाहर, एक आदमी मैंने देखा है कि वहाँ मत्था टेक रहा है, अंदर दूसरा चप्पल लेके जाए बगैर एहतराम। अगर किसी को शादी करनी है तो बाहर खिलाए खाना, अच्छा जी बाहर चाहे दोस्त पर खिलाए, लेकिन वो भी मकरूह है, मकरूहात में से है, खड़े होकर खाना खाना इस्लाम ने तो इसकी तहजीब बदलाई, जिसमें के आदमी जो है दस्तरखान पर खाना खाए, बरकतों वाला तो दस्तरखान ही है, इसके अलावा आदमी तो कूड़े बैठ कर खा ले जब भी खाना खाना। अच्छा, हमारे जो नौजवान हैं माशाल्लाह पैसे आ रहा है उन पर, अच्छा कमाई है उनकी, उनका कहना है कि ये कल्चर में है, कल्चर के हिसाब से चले या इस्लाम के हिसाब? वो तो कल्चर तो अलग है, हम तो इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के कवानीन पे चलेंगे हम, कोई हम कल्चर के मालिक तो नहीं है, जब कल्चर हमारा मालिक है जी। कुछ कहना चाहोगे जो नौजवान है इस सोच को रखते हैं? नौजवानों की क्या सोच है, नौजवानों की सोच तो शैतान नहीं हो हमेशा। यानी उनकी आपको एक नसीहत है? हाँ, नसीहत तो है ही है, मानेंगे ठीक, नहीं तो पाबंदियों भी है, फिर जो गलत काम करेगा उसका पाबंदियों भी तो लगाएगी कौन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। देखो, बुजुर्ग वो है जिसकी हम बात माने, नहीं तो वो बुजुर्ग नहीं है। अगर हम किसी को बुजुर्ग कह रहे हैं और हमारा बुजुर्ग है, यानी हम उसको बुजुर्ग मान रहे हैं, तो उसकी बात भी माने तब वो बुजुर्ग है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, इस्लाम का मानने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला अगर है तो वो इस्लाम के तहत यानी इस्लाम के असूलों से चले, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला है तो उनकी सुन्नतों पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करे, चाहे वो शादी हो या फिर कोई इबादत हो या फिर कोई मोहब्बत हो या रिश्तेदारी हो या दुनियादारी हो, इस्लाम के हिसाब से चलेगा तो ऐसे ही वो अपनी आखिरत भी संवारेगा। जनता वनता को आप ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए, आपको ऐसी मोटिवेट और एक इंस्पिरेट आपको वीडियो दिखाता रहेगा। अपना और अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।